बाहर रिमझिम फुहार के बीच झूमते नाचते नजर आए फैंस। केसरिया साड़ी में फिल्म देखने माथे पर कलश लेकर बड़ी तादाद में पहुंची दक्षिण भारतीय महिलाएं, फिल्म देखने से पहले जमकर लगाए ठुमके। फिल्म काला को लेकर रजनीकांत के युवा फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह, फिल्म के पोस्टर के आगे समरसॉल्ट करते दिखे फैंस। मुंबई में सुबह 4 बजे फर्स्ट शो से पहले फैंस ने काटा केक, फिल्म के पोस्टर पर लोगों ने चढ़ाए फूल और दूध। चेन्नई में फिल्म देखने काले कपड़ों में पहुंचे रजनीकांत के फैंस, थिएटर के बाहर जमकर की आतिशबाजी, डांस और मौज मस्ती। आज संघ शिक्षा वर्ग के कार्यक्रम में शामिल होंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, शाम 6:30 बजे से स्वयं सेवकों के बीच देंगे समापन भाषण। प्रणब मुखर्जी का संबोधन सुनने कैंप में मौजूद रहेंगे देश भर के 700 स्वयं सेवक, पूर्व राष्ट्रपति ने कहा जो बोलना है कार्यक्रम में बोलूंगा। पिता प्रणब मुखर्जी को बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किया सचेत, कहा बीजेपी खेल सकती है गंदा खेल, भाषण भुला दिया जाएगा लेकिन तस्वीरें याद रह जाएंगी। संघ के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी के जाने पर अहमद पटेल ने की आपत्ति, ट्वीट कर कहा प्रणब दा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मातोश्री में बंद कमरे में करीब 10 मिनट चली दोनों की बैठक, बैठक में मौजूद नहीं थे फडणवीस। शिवसेना के बाद अकाली दल से भी रिश्तों की खटास दूर करने की पहल, आज चंडीगढ़ में दोपहर 12:30 बजे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर जाएंगे शाह। अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस का कटाक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा शाह खुद नहीं आए बल्कि उनको भेजा गया है। अमित शाह चंडीगढ़ दौरे में प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह से भी करेंगे मुलाकात, संपर्क फॉर समर्थन अभियान का हिस्सा। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं राजनाथ सिंह, सुरक्षा मामलों पर समीक्षा बैठक, एक तरफा सीज फायर को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद, सीमा के हालात और अमरनाथ यात्रा को लेकर चर्चा। श्रीनगर के नौहट्टा चौक पर पत्थरबाजों के हमले झेलने वाले ड्राइवर ने कहा बेहद खतरनाक थे वो पल, उम्मीद नहीं थी कि जिंदा बच पाएंगे। शोपिया में हिजबुल ने चिपकाए धमकी वाले पोस्टर, महिला एसपीओ को महीने भर के अंदर पद छोड़ने की चेतावनी। लश्कर की चिट्ठी के बाद यूपी में अलर्ट, रेलवे स्टेशन और मंदिरों को निशाना बनाने की धमकी वाली चिट्ठी में हापुड़ और सहारनपुर स्टेशन के लिए 6 जून की थी धमकी, कल दिन भर चौकस रही व्यवस्था। 8 जून को मथुरा और काशी विश्वनाथ मंदिर को उड़ाने की थी धमकी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ऑफिस ने जारी किया सर्कुलर, सख्त की गई सुरक्षा। उन्नाव में सीएम योगी के स्वागत की तैयारी में जुटा प्रशासन, सड़कों की मरम्मत और शहर की सफाई का काम जोरों पर। एक देश एक चुनाव पर अखिलेश यादव, मोदी सरकार को समर्थन, कहा 2019 में कर देनी चाहिए शुरुआत। पटना में रामविलास पासवान के घर इफ्तार पार्टी में आए नीतीश, चिराग पासवान ने कहा केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश होंगे अगले चुनाव का चेहरा। आज पटना में एनडीए के 4 साल की सालगिरह का कार्यक्रम, नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। यूपी के महोबा में खुदकुशी करने वाले किसान परिवार को अखिलेश यादव की मदद, पार्टी फंड से दिए 1 लाख रूपये। शिलांग में हालात काबू में लेकिन कर्फ्यू बरकरार, इंटरनेट सेवा भी रहेगी बंद। देहरादून में हुआ योग दिवस कार्यक्रम का रिहर्सल, बाबा रामदेव के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत और आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने किया योग। दिल्ली के छावला इलाके में 1 लाख का इनामी गैंगस्टर राजीव शूटआउट के बाद गिरफ्तार, द्वारका सेक्टर 23 में डबल मर्डर समेत 10 आपराधिक मामलों में थी पुलिस को तलाश। तिहाड़ जेल में कैदियों की सुरक्षा पर उठे सवाल, तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी राजकुमार ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गाजियाबाद में बाइक सवार 2 बदमाशों की फायरिंग में 3 लोग जख्मी, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला। गाजियाबाद में ठेके पर पैसे को लेकर बढ़ा विवाद, ठेके के कैंटीन संचालक को मारी गोली। लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब में जमकर मारपीट, मटन कबाब देरी से लाने पर झगड़ा। हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के घोड़ा फार्म में बच्ची के शव मिलने का केस सुलझा, फार्म हाउस के कर्मचारी पर रेप के बाद हत्या का आरोप।
यूपी के बलिया में एक मॉल के खिलाफ शिकायत, ट्रायल रूम में लगा था सीसीटीवी। यूपी के प्रतापगढ़ में गुंडा राज, अपना दल नेता और मंगरौरा की ब्लॉक प्रमुख कंचन पटेल के पति को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के गुर्गों पर आरोप। सोनीपत में सामने आया दर्दनाक हादसा, बेटे को खुदकुशी से बचाने आई मां की भी ट्रेन से कटकर मौत। मुजफ्फरनगर में नवजात बच्ची को एक मकान के बाहर छोड़ गई महिला, सीसीटीवी में दिखी तस्वीरें, महिला की तलाश। अयोध्या में कमिश्नर कार्यालय पर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं और साधु संतों की नारेबाजी, राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने आए थे साधु संत। हिमाचल के नाहन में फ्लैश फ्लड का कहर, अंतिम संस्कार करने आए लोगों ने भागकर बचाई जान। अनंत अंबानी और नीता अंबानी ने सिद्धि विनायक मंदिर में की पूजा, भगवान को दिया सगाई का कार्ड। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मेक इन इंडिया बोफोर्स गन धनुष 2 का परीक्षण शुरू, 42 किलोमीटर है मारक क्षमता। गुजरात के ऊना में शेर को परेशान करने वाला नया वीडियो, मुर्गे को दिखाकर मोबाइल से शूटिंग, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एशिया कप में श्रीलंका ने भारतीय महिला टीम को 7 विकेट से हराया, श्रीलंका के हाथों अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली हार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 141 रन बनाए, 2 गेंद रहते 3 विकेट खोकर बांग्लादेश ने जीत लिया मैच। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज ने बनाए 6 विकेट पर 246 रन, विकेटकीपर डॉरिच 46 रन पर नाबाद। फ्रेंच ओपन में बारिश से बाधित हुआ राफेल नडाल और अर्जेंटीना के स्पार्टमैन का क्वार्टर फाइनल मैच, मुकाबले रुकने तक पहला सेट हारने के बाद दूसरे सेट में 5-3 से आगे थे नडाल। मारिया शारापोवा को हराकर फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंची स्पेन की गार्बाइन मुगुरुज़ा, अंतिम चार में वर्ल्ड नंबर 1 सिमोना हालेप से होगा मुकाबला। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी की आग के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुआं, अब तक 85 लोगों की मौत। हवाई द्वीप के किलुआ ज्वालामुखी के आसपास भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 3 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। लंदन के एक लग्जरी होटल की छत पर आग, दमकल की 20 गाड़ियां और 120 दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मैसेडोनिया से नाम के विवाद में ग्रीस के शहर पैला में करीब 10,000 लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कहा ग्रीस ही है मैसेडोनिया। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से 3 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना, अमेरिका रूस और जर्मनी की अंतरिक्ष यात्रा आईएसएस में बिताएंगे 5 दिन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।